आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप FNO Play में फर्स्ट टाइम लॉगिन करके कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। FNO Play में कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि आप FNO Play में कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, कैसे इसमें आपको मनी ऐड करना होता है, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसमें आपको ट्रेडिंग करना होता है। सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। FNO Play ऐप इस्तेमाल करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप FNO Play ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और FNO Play जैसे आप ओपन करेंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आपको फ्री में अकाउंट क्रिएट होगा और जीरो एनुअल चार्ज रहेगा। ऐसे स्क्रॉल करके इसके फीचर और बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। FNO Play पर कैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और FNO Play में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर जब भी आप ओपन करेंगे तो अगेन आपको ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पिन डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना पिन डालेंगे जो भी आपने पिन सेट किया होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, वांट टू डबल योर रिफरल अमाउंट। जो भी आप रिफर करते हैं उस पर आपको 100 रुपीज का इनकम होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में फर्स्ट टाइम ट्रेड कर लेते हैं तो 200 रुपए आपको रिफरल अर्निंग होने लगेगा। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में फर्स्ट टाइम ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैसे ऐप का इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको फंड ऐड करना होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे आपका बैलेंस रहेगा, 00 बैलेंस रहेगा। नीचे यहाँ पर मिल जाएगा ऐड फंड, या फिर ऐड फंड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल पे और UPI मिल जाएगा। पर आप जिस मेथड से पेमेंट करके फंड ऐड करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड ऐप, जो भी आउटसाइड ऐप होंगे उसके थ्रू पेमेंट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको UPI के थ्रू दिखाऊंगा, UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कितना आपको फंड ऐड करना है, यहाँ पर अमाउंट डालना होता है। मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पर 1 रुपया डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप में ऐप इंस्टॉल रहेगा UPI वाला, यहाँ पर शो होने लगेगा जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पेटीएम के थ्रू करना चाहता हूँ, पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप पेटीएम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का UPI पिन या 4 डिजिट का UPI पिन डालना होता है। UPI पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो ये आपका ट्रांजेक्शन देख सकते हैं सक्सेसफुल हो जाएगा और जो भी आपका अमाउंट होता है आपके FNO Play में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बैक या रिफ्रेश प्रेस नहीं करना है, थोड़ा आपको वेट करना है जब तक ये प्रोसेसिंग लेता है और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये अमाउंट आपके वैलेट पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बैलेंस में जितना भी आपने फंड ऐड किया है तो आपके बैलेंस में आ जाएगा। नीचे यहाँ पर और भी अगर आपको बैलेंस ऐड करना है 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, यहाँ पर आपका शो होता है। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अप डाउन जो भी आपको यहाँ पर लगता है, ये डायरेक्शन है आपका और ये रेड वाला डायरेक्शन है लो का, जिस पर भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग लगाना है लगा सकते हैं। देख सकते हैं एनालिसिस करना है, एनालिसिस ओवर यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर प्राइस का आप मूवमेंट देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे भी आपको मिल जाएगा जो भी यहाँ पर प्रिफर्ड ऑप्शन रहेगा, आप प्रिफर्ड ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन प्राइस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना है तो यहाँ पर जो टॉप अप दिख रहा है, मैंने 500 कर दिया तो यहाँ पर 100 करूंगा तो यहाँ पर प्लेस ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेडिंग लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वॉच लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो जो आपको यहाँ पर करेंसी कमोडिटी और यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह ऐड करने हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट में आ जाएगा। और जितने भी आप यहाँ पर वॉच लिस्ट ऐड करेंगे यहाँ पर शो होता जाएगा, किसी को अगर हटाना है
तो यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो बैंक निफ्टी पर जो भी आपका वॉच लिस्ट रहेगा हट जाएगा। उसके बाद इसकी सेटिंग को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे यहीं पर वॉच लिस्ट के बगल में न्यू ऑप्शन रहेगा और इस पर थ्री लाइन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रिफर एंड अर्न कर सकते हैं। फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको विड्रॉल करना है तो यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने 200 का विड्रॉल किया है और हमारा सक्सेसफुल भी हो गया है एनईएफटी के थ्रू। यहाँ पर अगर आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल फंड्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 100 रुपीज़ का विड्रॉल लगा सकते हैं जो आपने फंड ऐड किया है। और यहीं पर अगर आपको डिपॉजिट करना है तो फंड्स पर क्लिक करके ऐड फंड्स पर क्लिक करके यहीं से आप मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड देखेंगे ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट देख सकते हैं और यहीं से आप ट्रेडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मोड मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस मोड पर क्लिक करके यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पर आप देखेंगे तो आपको ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने ट्रेड की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वॉच लिस्ट आ जाएगा, हेल्प सेंटर पर क्लिक करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से रिवॉर्ड रिस्क वगैरह देख सकते हैं। साउंड कंट्रोल करना है तो साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। लॉगआउट करना है तो यहाँ पर लॉगआउट कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका बैंक डिटेल वगैरह जो अपडेट है यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपने बैंक डिटेल अपडेट कर दिया है उसको अगर आपको अपने बैंक डिटेल को अपडेट करना है तो आपको मेल करना होगा accounts@fno.co। इस मेल आईडी पर मेल करके आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि प्रैक्टिस मोड से आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे चेंज करना है। तो सबसे ऊपर देखेंगे प्रैक्टिस मोड रहेगा, चेंज टू ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी पर अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके बाद 200 रुपये आपका यहाँ पर रिफरल अर्निंग होने लगेगा। तो यहाँ पर दिस इज ग्रेट, आपका ये बार बार आता रहता है। इसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो नो आई वॉन्ट टू अर्न 100 ओनली पर क्लिक करके यहाँ से 100 ओनली कर सकते हैं। अगर आपको रिफर एंड अर्न से अर्निंग करनी है तो रिफर एंड अर्न पर क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं रिफर एंड अर्न से आप पैसे कमा सकते हैं। 200 रुपये आपको इस रेफरल मिलेगा, आपके फ्रेंड को भी 200 मिलेगा और आपको भी 200 मिलेगा, यानी 200 दोनों पार्टी को मिलेगा जब ये लिंक से डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर शेयर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेगा, परमिशन अलाउ करेंगे और लिंक आप यहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉपी करके जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से डाउनलोड होगा तो 200 रुपये दोनों पार्टी को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप रेफरल से भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट यहाँ पर ट्रेडिंग लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई आपको ट्रेडिंग लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। आपको अप या डाउन का, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का रेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, अपने हिसाब से यहाँ पर आप चूज करेंगे जो भी आपको लगता है। यहाँ पर मैंने लो पर लगा दिया और लो पर लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने प्रिफर्ड ऑप्शन आ जाएगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करना चाहते हैं उस पर आप कंटिन्यू करेंगे। प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर चार्जेस वगैरह आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर चार्जेस वगैरह रहते हैं, ऑर्डर की समरी आ जाएगी पूरी। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो स्टॉप आपका यहाँ पर ग्राफ टच रहेगा, प्लस 100% प्रॉफिट रहेगा 100% का। अगर आपका ग्राफ टच होता है -80% में आ जाएंगे आप। यहाँ पर मार्केट क्लोज आप ध्यान रखेंगे कि 3:15 पर होगा, आप अपने हिसाब से मार्केट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउन पर आपने स्ट्राइक लगा दिया है, यहाँ पर आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पुट ऑप्शन बॉट, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिटर्न कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस इतना हमारा लॉस हो रहा है, -20% का लॉस। यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका बैलेंस है, सबसे ऊपर आपने जितना भी फंड ऐड किया है, जितना भी आप लगाएंगे और जितना भी बचेगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट और रिटर्न देख सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्केट को क्लोज होने से पहले यहाँ पर आप अपना ट्रेड स्टॉप कर सकते हैं। और आपका जो भी यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह रहता है या फिर लॉस होता है, जो भी बैलेंस रहेगा आपके वॉलेट बैलेंस में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं। ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अगेन आप जो है तो ट्रेडिंग पेज पर आ जाएंगे। बगल में ही जहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर मिल रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉप ट्रेड का ऑप्शन आ गया है, यहीं से आप अपने ट्रेड को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम पीरियड ओवर होने के बाद जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट होता है आप वैलिड बैलेंस पर आ जाता है। अब इसके बाद जो भी आप रिफर करेंगे तो आपको 200 रुपये पर रिफरल मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप FNO Play में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पर वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, रिफर एंड अर्न कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, फंड विड्रॉल भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, नीली 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, टेक केयर।